छोटा दरवाजा इतना आसान नहीं, हम लोगों ने समझा था, गलत जवाब दिया तो असली सांप आ गया। जोया तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मुझे ऐसा कोई भी मंत्र नहीं आता जिसे सांप काटने का इलाज हो। काश मैं कुर्सी ना बन गया होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ जल्दी करना होगा। पर क्या? जल्दी से इरावत को बुलाओ। हाँ, जोया तुम जल्दी जाके इरावत को बुलाओ, मैं यहाँ संजू के साथ हूँ। ओके संजू। संभल के उठिए सर, आप ठीक तो है ना? बस थोड़ी देर में हम लोग स्पा पहुंच जाएंगे। मैं एक पहेली का गलत जवाब दिया और सही जवाब था सांप, और असली सांप आ गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक तो है ना सर? तो संभालिए अपने आपको। पानी पीने से जीवन दान मिलेगा। और मेरा फल खाने से खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। उधर देखो, जब ये यहाँ लाए गए थे तो बिल्कुल कमजोर थे, पर अब देखो। तो क्या हमारे आचार्य ओडिन भी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, इधर आओ। मेरा फूल सूंघने से हर कोई ठीक हो जाता है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आचार्य ओडिन को इनकी सुगंध दो, उनका मन हल्का हो जाएगा। सर मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं बीपी और मैं जीतने, हमें इरावत जी ने खबर भेज दी थी आपके आने की। आचार्य ओडिन आप कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी खोई हुई शक्तियां जरूर वापस लौट आएंगी। बस जादू हाय पर कोई मुसीबत ना आ जाए। चारों तरफ अंधेरा की छाना, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। संजू आंखों को बंद मत होने दो, अगर आंखें बंद हो गई तो जहर चढ़ जाएगा। शान मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शान सर देखिए ना संजू को क्या हो गया, उस पर मेरी मैजिक पेंसिल का भी असर नहीं हो रहा है। अच्छा
घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। सब मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिसने तुम्हें काटा है वो कैसा था? कैसा था फूसा? नीले रंग के धुएं में बदल के गायब हो गया सर। सब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस सांप ने काटा है वो चौथे दरवाजे का रक्षक है, बहुत शक्तिशाली। उसके काटे का कोई इलाज नहीं है, कोई जादू, कोई मंत्र नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सब प्लीज एक बार कोशिश कीजिए। मैं कोशिश जरूर करूंगा, करूंगा मैं कोशिश। सचकी हाले तोड़ भी लगाई है। नहीं नहीं संजू, तुम कुछ नहीं हो सकता। संजू संजू संजू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर मुझे हुआ क्या था, तुम्हें कुछ याद नहीं? दरअसल हमने पहेली का गलत जवाब दे दिया था और उसका सही जवाब था सांप, और असली सांप आ गया। हमने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की पर हम कुछ नहीं कर पाए। मैं भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये सांप बहुत शक्तिशाली है, चौथे दरवाजे का रक्षक है। हमें तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा था जैसे हमने तुम्हें खो दिया है, लेकिन इस सुरक्षा कवच ने तुम्हें बचा लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। हाँ, तुम्हें लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना। मैं भी आश्चर्यचकित था कि आचार्य ओडिन जो इतने शक्तिशाली हैं अचानक इतने कमजोर कैसे हो गए। तरक्षिरा से उनका सुरक्षा कवच उन्हें बचा क्यों नहीं पाया? कैसे बचा पाता? इसलिए कि वो सुरक्षा कवच आचार्य ओडिन ने तुम तीनों को दे दी थी जिसने तुम्हें बचाया। सो, अब हम हमारा काम शुरू कर देंगे और चौथे दरवाजे के रहस्य को जान किए रहेंगे। गुड, वेरी गुड, अब तुम लोग अपना ख्याल रख सकते। सो, ओडिन से तो ठीक है ना? ओडिन सर, ओडिन सर। धड़कने 42 और सांस 10 है। उफ, इसी का मुझे डर था। आप लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे? कहन के जख्म बहुत गहरे हैं। त्रिनेत्री, ये जख्म तो कुछ भी नहीं है। आचार्य ओडिन की प्राण शक्ति कमजोर कर दी गई है। अगर उनकी प्राण शक्ति को हम जगा सकते हैं तो ओडिन को बचा पाएंगे। अगर अगर नहीं तो क्या? अब संभल के जो भी जवाब देना सोच समझ के देना। अभी तो सिर्फ सांप ही था, कहीं ऐसा ना हो आगे हमारे लिए
से भी बड़ी मुसीबत हो। संजू एक मिनट, मुझे ढूंढो, इसका मतलब क्या है? मुझे ढूंढो, पर किसे ढूंढो? लगता है मास को। हाँ शायद जो ठीक कह रही है, हमें मास को ढूंढना चाहिए, पर कहाँ? ये मास कहाँ हो सकता है? मास्क है तो कहीं ना कहीं लटका होगा कॉरिडोर में। हाँ चलो। याद तो नहीं है, ऊपर वाले कॉरिडोर में देखते हैं। चल चल। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है डॉम में हो। हाँ चलो चल के देखते हैं। हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, अब क्या करें? इतनी दूर आ गए हैं तो अब हार नहीं सकते। हाँ पर आखिर करें तो क्या? आज तक हमने जो भी दरवाजा खोला है वो अपने कॉमन सेंस या फिर अपने इंट्यूशन या जनरल नॉलेज से खोला है या फिर अपने पूरे डम लक से। हाँ तो इस बार भी इनमें से कोई ना कोई चीज हमारी मदद जरूर करेगी, जरा सोचो। हम उस चाबी पर खुदे हुए पुराने चिन्ह ढूंढने लाइब्रेरी में गए और अशांत एक की होल नजर आया। हाँ और फिर संजू ने गुस्से में उस लॉकर को मारा और वहीं से हमें वो पहली वाली चिट्स मिली। फिर जोया तुम तो अशांत से झगड़ा किया और फिर सांप ने मुझे काटा, फिर जोया खूब रोई। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जहाँ ढूंढ रहे वो बहुत ही ऑब्वियस जगह है, इसलिए हमें वो नहीं मिल रहा। जैसे कि दीवार मास नहीं मिल रहा। हो सकता है वो किसी पुराने बक्से में बंद हो। हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि ऐसा पुराना बक्सा कहाँ है। चलो ये रहा वो पुराना बक्सा, हम अपने एडियल मैजिक के प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम्स इसमें रखते हैं। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। इन्हें ढूंढो। ओ, तो ये ट्रेजर हंटर। चलो अब सेब की टोकरी ढूंढते हैं। पर कहाँ? किचन में और कहाँ? चलो ठहरो, तुम लोग अब इंस्पेक्टर नहीं हो, जब मन चाहा कहीं भी जाकर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। मैम हम इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम हम तो सिर्फ एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। पजल? ओह पजल, पजल सॉल्व करना तो मेरी
फेवरेट हॉबी है, बताओ। मैम तो क्या आप हमें बता सकती है कि सेब की टोकरी कहाँ मिलेगी? सेब? सेब? सेब का तो अभी सीजन भी नहीं है और पेडले मोको मुझे कब से सेब भी नहीं लाकर दे रहा। चलो चलो कोई बहाना नहीं, चलो तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ मैंने बोला। थैंक यू मैम। हम लोग फिर वही गलती कर रहे, जो चीज ढूंढ रहे उसी की जगह में ढूंढ रहे। पर सेब अगर किचन में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? दीवारों पर रखे होंगे या फिर कोई पेंटिंग में? हो सकता है। चलो पीपी, तुम हमारी जादुई नदी से पानी लेके आओ। जिपी, तुम हमारा यंत्र लेके आओ। जी सर। यहाँ तो कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं है जिसमें सेब हो। तो फिर सब चला गया है। एक और चीज, इसे ढूंढो। किसे? अरे बाबा सांप को। अंतराम जंतराम महामंत्राम, अंतराम जंतराम महामंत्राम, अंतराम जंतराम महामंत्राम, अंतराम जंतराम महामंत्राम। ओडिन के प्राण जगाओ। इसी का मुझे डर था। क्या बात है? इनकी हालत बहुत खराब है, मुझे इनको मेरे चिकित्सालय ले जाना होगा। आचार्य ओडिन की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिप्पी पिप्पी, चलो ओडिन को ले जाना है। ओडिन से ठीक तो हो जाएंगे। त्रिनेत्री, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।